नमस्कार। आज हम जिस शैली के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली मोहिनीअट्टम, जिसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं सुविख्यात सुप्रसिद्ध नृत्यांगना भारती शिवाजी जी। भारती जी नमस्कार। नमस्कार। आपसे अच्छा इस शैली के बारे में कौन बता सकता है, ज़रा विस्तार से बताएंगे आप हमें मोहिनीअट्टम के बारे में? कई पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है, जो अधिकतर ये शैली स्त्रियां ही करती रही हैं। प्रधान रूप ये है कि इसमें लासी प्रधान शैली है और श्रृंगार रस का भी ये इसमें बहुत महत्व है जी। और ये बहुत सालों से ये कहा जाता है कि मंदिरों में भी किया गया था। अच्छा। मोहिनीअट्टम नाम जो है वो किस तरह पड़ा, क्या इसके पीछे कोई कहानी या कोई कथा है? मोहिनीअट्टम का परिभाषा मोहिनी यानी जो मोह लेती है और आटम है नृत्य। ये मोहिनीअट्टम हम पौराणिक कथाओं में देखते हैं, जिसमें बहुत से कथाएं हैं जिसमें एक कैरेक्टर मोहिनी के रूप में धारण करके आते हैं। जैसे महाविष्णु जो अमृत मंथन का एक जो हम जानते हैं, या भस्मासुर मोहिनी जो हैं जिसमें विष्णु मोहिनी के रूप धारण करते हैं। तो इस तरह कई कथाएं हैं और ये एक विशेषता ये है कि केरल के जो शास्त्रीय नाट्य जो परंपरा है उसमें मोहिनी का जो रोल बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत ही पॉपुलरली उसको एनैक्ट करते हैं जी। और इस तरह हम देखते हैं कि मोहिनीअट्टम नाम इसको दिया गया है, और जिसमें ग्रेस या लास्य प्रधान है और श्रृंगार रस प्रधान है जी। ये आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि मोहिनी यानी मन को मोह लेने वाली और आट्टम जो नृत्य है। अच्छा, हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि एक तो कथकली भी काफ़ी सुप्रसिद्ध है केरल में, तो क्या मोहिनीअट्टम शैली और कथकली शैली में कुछ भिन्नताएं हैं, या उसमें से कथकली में से कुछ मोहिनीअट्टम ने लिया है? वैसे सिमिलैरिटी तो कथकली और मोहिनीअट्टम में है, सिर्फ कथकली नहीं लेकिन बाकी जो केरल के शास्त्रीय शैलियों जो है उसमें भी हम देख सकते हैं एक समानता है जी। लेकिन ये विशेषता है कि मोहिनीअट्टम जैसे लास्य पूर्ण मैंने कहा था, इसमें जो अंग संचालन बहुत कोमल है और इसके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत श्रृंगार प्रधान है, और कथकली में तांडव प्रधान है। मोहिनीअट्टम के विशेषता उसके अंग संचालन में ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम जोर कटी जो शरीर के जो ऊपर का जो अंश है उस पे उसको ही हम ज़्यादा हिलाते हैं, और इसके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही झूले जैसे, जिसको हम आंदोलिका कहते हैं, वो मूवमेंट्स ऐसे जाते हैं, और इसके जो पैटर्न्स जो हैं वो गोलाकार हैं और अर्ध गोलाकार, जैसे अर्धचंद्र है उसी शेप में भी हम उसी पैटर्न में भी हम करते हैं, किया जाता है मोहिनीअट्टम में। और इसके जो पद संचालन है उसमें शरीर के जो ऊपर का जो भाग है उसको भी हम हिलाते ही करते हैं, इसको अलग से पद संचालन मोहिनीअट्टम में नहीं किया जाता है। और इसके जो मूवमेंट्स है इसमें ज़्यादा हम पैरों में जोर नहीं देते हैं लेकिन पूरे शरीर में ही हम इसका एक वो जो एक अड़वू या जिसको हम इसको जो मोहिनीअट्टम के जो भंगिमाएँ हैं ये पूरे शरीर से किया जाता है। अभी मैं अदिति को बुलाऊंगी आपको दिखाने के लिए कि कुछ अड़वू जो मोहिनीअट्टम में किए जाते हैं। 1 2 ते ता ते 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 ता ते
एक दूसरा अडव दिखाएगी। आपको कैसा लगा ये? आप को लगता है आप कर सकती हैं? हम ट्राई कर सकते हैं। हाँ, आ जाओ। त त भीम, त त ता, धीगे त क भीम, त त भीम, त त भीम, त त ता, धीगे त क भीम, त त। तो मैं अभी चाहूंगी हम कुछ मोहिनीअट्टम के जो मूवमेंट्स जो हैं, एक नृत्य हम देखेंगे। हम विजयलक्ष्मी को मैं बुलाती हूँ, जो एक चोलकट्टे एक आइटम है, जो एक इन्वोकेशन है, इन्वोकेटरी आइटम। इसमें हम देख सकते हैं कि मोहिनीअट्टम में मूवमेंट्स कैसे हैं, इसके टेक्निक कैसे हैं। विजयलक्ष्मी प्रकार के पद संचालन फुटवर्क हैं, लेकिन उसके साथ क्या बहुत आवश्यक है कि ये बॉडी मूवमेंट जो कटी का जो ऊपर यहाँ ये जो हिलना है वो भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है। इतने सारे जो हमने अभी दिखाया है, तो ये कुछ सालों के बाद ही बॉडी में एक ढीलापन आता है। मैं जानती हूँ कि हर शैली को सीखने के लिए समय बहुत लगता है, लेकिन कितना समय अंदाज? वैसे लगातार कोई भी बच्चा मोहिनीअट्टम सीखने के लिए आए तो 3-4 साल तो लग ही जाते हैं,
पूरा उसको समझने में और अपने शरीर में उसको अब्सॉर्ब करने में, संभालने में, संभालने में तो समय तो लग ही जाता है। बाकी शैलियों में भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही है क्योंकि इसमें बॉडी मूवमेंट का बहुत ही एक डिसिप्लिन जरूरी है और इसके लिए बहुत एक कंसंट्रेशन भी चाहिए, एकाग्रता चाहिए और बॉडी डिसिप्लिन का एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट इसमें रिक्विजिट है, जरूरी है। अभी हम कुछ मुद्राओं के बारे मैं कहना चाहूँगी कि अभी आपने देखा कि शुद्ध नृत्य में कैसे पद और अंग संचालन के साथ हस्त मुद्राओं का उपयोग किए हैं। अभी ये मुद्राओं के साथ हम कुछ हमें उदाहरण दिखाऊंगी कि एक मुद्रा के साथ हम कैसे कितने सारी चीज़ें हम दिखा सकते हैं, हम इसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे अभी कथकली का जो मुद्रा है उसी के कॉमन है मोहिनीअट्टम। अच्छा, ये मुद्राएं इसमें सेम है, एक जैसे ही हैं लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही जोर देते हैं मुद्राओं को क्योंकि वो एक तांडव उसमें मूड है, लेकिन मोहिनीअट्टम में उतना नहीं देना पड़ता है। जैसे कि मैं अभी दिखाऊंगी कि कथकली में ऐसे करेंगे तो मोहिनीअट्टम में ऐसे दिखाते हैं, बहुत ही लास्य इसमें कोमल बहुत कोमल है। और अभी जैसे अब एक मुद्रा ये जिसको हम पताका कहते हैं, लेकिन भरतनाट्यम में इसको आप त्रिपताका कहते होंगे, है ना, इसको पताका और इसको त्रिपताका, लेकिन मोहिनीअट्टम में इसको त्रिपताका कहते हैं और इसको पताका। अभी दो पताका मुद्राओं के साथ मैं आपको सूर्य सन राइजिंग, कैसे सूरज निकल सूरज निकलता है वो दिखाएंगे। आप भी कोशिश करेंगे हमारे साथ करने के लिए। अच्छा, इसी पताका हैंड्स के साथ हम एक लता दिखाएंगे। अच्छा, इसी पताका है मुद्राओं के साथ एक राजा का वर्णन। और अभी इसी पताका मुद्रा, दो पताका मुद्रा से एक मगरमच्छ। अच्छा, कैसे दिखाते हैं? जी, बहुत सारे मुद्राएं हैं जिसको हम पूरा ही एक कथा, कोई भी पुरानी कथा हो या कुछ भी हो, हम इसका मुद्राओं के साथ और भाव के साथ हम वर्णन कर सकते हैं। अभी एक लोरी है जिसमें माँ अपने बच्चे को सुलाते वक्त प्रकृति के जो भी सौंदर्य है उसको कंपेयर करती है। हाँ, अपने बच्चे को सुलाते वक्त वो चंद्रमा को देखती है। और
सोचती है कि चंद्रमा या उसके उसके बच्चे कौन ज्यादा सुंदर सुंदर है, और इसके साथ वो बच्चे को क्या बोलते हैं जो मधु जो शहद जो फूल में से जो रस निकलता है उसके साथ वो कंपेयर करती है। अच्छा वाह। ओ मैं